अगस्त के महीने में एक कोर्टरूम ड्रामा रियलिस्टिक फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज एंड वेलकम टू योर चैनल। बात करूं अगर फिल्म मुल्क के ट्रेलर की, तो ट्रेलर में हर एक चीज का परफेक्ट मिश्रण है। ट्रेलर में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों फिल्म की कास्टिंग। कास्टिंग के मामले में जो ट्रेलर है वो हमारा दिल जीत के ले जाता है, जहां पर हम देखते हैं ऋषि कपूर साहब को, तापसी पन्नू को, आशुतोष राणा जी को एग्रेसिव रूप में दोस्तों, और उसके साथ ही साथ मनोज पावा जी भी हैं इसमें। इसमें कुमुद मिश्रा है, इसमें रजत कपूर है। फिल्म की जो स्टार कास्ट है ये देखने में बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग है, फैसिनेटिंग है और इंटरेस्टिंग है। बात करूं अगर मैं दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो अनुभव सिन्हा जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और उन्होंने इससे पहले अपनी फिल्मों के जरिए प्रूव किया है कि ही इज वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड, जो कि सेंसिटिव मुद्दों को बहुत ही सही तरीके से हैंडल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म कब रिलीज हो रही है। 3 अगस्त को फिल्म को फन्ने खान से टक्कर मिलेगी दोस्तों। जहां फन्ने का एक तरह से लाइट हार्टेड कॉमेडी है, वहीं ये रियलिस्टिक घटनाओं पर आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है मुल्क। ट्रेलर में दोस्तों हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली है और इस फैमिली में एक नवाबजादा है जो कि अपने मजहब के नाम पर कुछ तबाही करने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एनकाउंटर हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद वो तो चला जाता है और सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है इन मौलवी साहब के घर। प्रतीक बब्बर ने वो कैरेक्टर निभाया है दोस्तों, और प्रतीक बब्बर का कैरेक्टर की तो हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, जहां पर समाज की तरफ से लताड़ना मिलती है, मीडिया का तमाशा मिलता है और साथ ही साथ कोर्टरूम ड्रामा भी मिलता है। तापसी पन्नू दोस्तों वकील के कैरेक्टर में एकदम प्रोमिनेंट लगती हैं और मुझे कहीं ना कहीं पिंक की याद आती है। जिस तरीके से पिंक में वो एग्रेसिव थी, उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर वो एग्रेसिव नजर आ रही हैं। ऋषि कपूर साहब, उनको तो आप कोई भी कैरेक्टर उठा के दे दीजिए, चाहे 102 नॉट आउट का कैरेक्टर ले लीजिए या फिर अग्निपथ का कैरेक्टर ले लीजिए, ऋषि कपूर साहब जब भी पर्दे पर आते हैं एक छाप छोड़कर जाते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग तौर पे अगर देखा जाए तो आशुतोष राणा जी का कैरेक्टर मुझे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से वो तोल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने बातों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल इन ऑल ट्रेलर देखने में इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है, और ट्रेलर हम सबको एक अलग सच्चाई की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है कि एक पर्टिकुलर कौम जिन्हें अक्सर टारगेट किया जाता है, हमेशा गलती उनकी नहीं होती है। वेल, ये तो फिल्म देखकर ही बता सकते हैं कि किस तरीके से अनुभव सिन्हा जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और स्टोरी लाइन कैसी है, लेकिन ऑल एंड ऑल ट्रेलर देखकर आपको अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि वाओ यार, इंडिया में इतना डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ सिनेमा आ रहा है जो कि देखने लायक है। अब देखते हैं, मैं तो अपनी तरफ से इस ट्रेलर को पर्टिकुलरली थम्स अप देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा अगर ये फिल्म चलेगी तो कास्ट की वजह से चलेगी, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस स्टोरी में होल्ड होना चाहिए, अदरवाइज ये फिल्म हिट होने वाली है। आपको कैसा लगा ये मुल्क का ट्रेलर, मुल्क इसका नाम है, जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका रिव्यू, आपकी सारी चीजें, और आपको कास्टिंग कैसी लगी, ट्रेलर कैसा लगा, क्या आपको भी गूज़बम्प्स क्रिएट हुए या नहीं हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके के चटपटे बातें, रिव्यूज, रिएक्शंस लाएगा आपका राहुल भोज आपके लिए। टेक केयर।